टाटा पंच को फाइनली पंच मिल गया है क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रिक हो गई है और इसका जो आइस वर्जन है मतलब जो पेट्रोल वर्जन है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डिजाइन। बट डिजाइन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और भी कई जगह चेंजेस किए गए हैं, तो क्या क्या वो चेंजेस हैं उन सब की बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग एस एन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टाटा पंच ईवी। So the first things first, the platform. अगर आपको लग रहा है कि ये पंच ईवी से अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है तो नहीं, ये एक कंप्लीटली न्यू ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जिसे कि एक्ट ईवी या एक्टिव ईवी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट वो इन्होंने बोला है। वैसे टाटा मोटर्स अभी अगर आप ईवी सेगमेंट की बात करोगे तो उसमें टॉप पोजिशन पे है, दे डोमिनेट द मार्केट विद अ ह्यूज ह्यूज मार्जिन, पर अभी तक वो सिर्फ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स या फिर आइस को ही ईवी इन्होंने बनाया, बैटरी लगा के वो सब कर रहे थे। बट विद दिस वन इन्होंने प्लेटफॉर्म जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बना दिया है। दैट मीन्स अंदर जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोर बोर्ड एकदम फ्लैट हो गया है जिसकी वजह से आपके पास में स्पेस की और फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि जैसे कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये 4 मीटर से छोटी है, लगभग 3.8 मीटर्स के आसपास है, 3.8 या 3.9 के आसपास है। बट सेम प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके ये लोग 4.5 मीटर्स तक लंबी गाड़ी बना सकते हैं। दैट मीन्स हैरियर ईवी जो है अगर इनको ऑल इलेक्ट्रिक बनानी है दे हैव द प्लेटफॉर्म रेडी, जिसका छोटा वर्जन जो है वो हम यहां पे देख रहे हैं, इसके जो बड़े वर्जन होंगे आने वाली गाड़ियों में देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ में अगर इनको फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी रखनी है वो रख सकते हैं, रियर व्हील ड्राइव रखनी है वो रख सकते हैं, और ऑल व्हील ड्राइव रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। बट अभी ऑफकोर्स इसको इन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव भी रखा है। नाउ कमिंग बैक टू द पंच ईवी, डिजाइन को अगर आप छोड़ दो, मतलब डिजाइन में भी एक चीज है, गाड़ी थोड़ी उठी हुई नजर आ रही है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने एक्जैक्टली सेम रखा है, 190 एम का ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी इसके अंदर। इसका व्हील बेस जो है वो एक्जैक्टली सेम रखा है जो कि पंच पेट्रोल का है। तो मोटा मोटा डिजाइन वाइज इन्होंने अगर आप साइड से देखोगे या पीछे से देखोगे या आगे से देखोगे थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज की हैं, फ्रंट में स्पेशली भी बात करते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर सिलोवेट जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ और ही गाड़ी आ रही है। इट्स पंच ईवी, द ओनली निशानी इज दिस डॉट ईवी जो आपको बाहर से नजर आएगी। टायर्स की अगर आप बात करोगे 16 इंच के हैं, 195/60R16 प्रोफाइल है इनकी। फ्रंट में काफी कुछ चेंज किए हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि एलईडी डीआरएस जो हैं वो आपको दे दिए हैं, एलईडी हेडलैम्प दे दिए हैं, एलईडी फॉग लैम्प दे दिए हैं, और कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो भी आपको दे दिए हैं। तो जैसे ही आपके टायर्स मुड़ते हैं, अभी लेफ्ट के साइड मुड़ा हुआ टायर तो फॉग लैंप आपकी लिट अप हो गई, मतलब कॉर्नरिंग लैंप ऐसे काम कर रहे हैं। अब राइट की तरफ मुड़ाएंगे हम तो आप इधर देखोगे ये लिट अप हो गया है, तो काइंड ऑफ यूजफुल। 360 डिग्री कैमरा का इंक्लूजन है, दैट मींस फ्रंट में आपके लिए कैमरा, साइड में कैमरा, रियर में कैमरा, 360 डिग्री आपको दिया गया है। अंदर से आपको देखूंगा कि कैसा नजर आता है। एट द फ्रंट यू ऑल्सो सी वन चेंज, वो ये है कि ये जो चार्जिंग पोर्ट है आपको फ्रंट में ही दे दिया गया है ज्यादा कन्वीनियंस के लिए, और इसे ओपन करने के लिए यू हैव अ डेडिकेटेड बटन, आई जस्ट गो इनसाइड एंड ओपन इट। ओपन करने के बाद में यू हैव सो यू हैव अ रेगुलर चार्जर, यू हैव अ फास्ट चार्जर, दैट मींस दोनों सपोर्ट करता है। बाय द वे ये लॉन्ग रेंज वर्जन है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यू हैव अ स्टैंडर्ड रेंज वर्जन जिसकी 315 किलोमीटर MIDC साइकिल के हिसाब से या फिर ARAI साइकिल जो भी आप बोलना चाहो उसके हिसाब से 315 मिलती है, और जो लॉन्ग रेंज है वो 421 किलोमीटर की रेंज जो है वो क्लेम करते हैं। बट ऑफ कोर्स रियलिस्टिकली वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन टेस्टेड रेंज जो आपको बताते हैं वो है। अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन लेते हो तो स्टैंडर्ड वर्जन के साथ में आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, उससे अगर आप चार्ज करोगे तो स्टैंडर्ड वाली को चार्ज करने में आपको लगभग 9.5 घंटे लगेंगे 10 to 100%, और जो शुरू का 10% अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लो तो मान लीजिए लगभग 11.5 घंटे आपको लगने वाले हैं। अगर आप इसका लॉन्ग रेंज वर्जन लेते हो तो उसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है, 3.3 किलोवाट भी ले सकते हो या थोड़े एडिशनल पैसे देके 7.2 किलोवाट का भी आप वॉल माउंट AC फास्ट चार्जर ले सकते हो। उससे अगर आप लॉन्ग रेंज को चार्ज करोगे तो उसको चार्ज करने में मतलब 3.3 किलोवाट से अगर चार्ज करोगे तो 13.5 घंटे लगेंगे 10 to 100%, दैट मीन्स लगभग 14.5-15 घंटे गए आपके। बट
मेरा यही सजेशन होगा लॉन्ग रेंज वाले में आप एटलीस्ट जो है वो 7.2 किलोवाट वाला चार्जर लीजिए, जिससे कि आपका जो चार्जिंग टाइम है वो लगभग 5 घंटे के आसपास आ जाएगा। अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो लॉन्ग रेंज को भी चार्ज करने में आपको 56 मिनट ही लगेंगे और एक्सटेंडेड रेंज को भी चार्ज करने में 56 मिनट ही लगेंगे। ऐसा क्यों है? अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो आपके ऑफकोर्स सेल्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से हीटअप वगैरह हो जाते हैं, फिर उनका नॉर्म लेवलिंग होना, सेल बैलेंसिंग होना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनिशियली 80% तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम में चार्ज हो जाएंगे, बट बाद में जो है उसको पूरा चार्ज करने में थोड़ा सा और टाइम लगता है। तो अगर ये 56 मिनट बोल रहे हैं तो पूरा चार्ज करने में आप मान लीजिए लगभग 1.5 घंटा आपको लगने वाला है इवन विद अ डीसी फास्ट चार्जर। Alright, now we have got an inside और अंदर आने के बाद में डिजाइन लैंग्वेज की अगर बात करोगे, मतलब कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली, तो कलर कॉम्बिनेशन टाटा पंच में जो मिलते हैं वही सेम आपको मिलते हैं। ये एक लाइट सा कलर है, फिर यहाँ पर थोड़ा वुडन सॉर्ट ऑफ फिनिश देने की कोशिश की है, बट ऑफकोर्स इट्स फेक। जो चेंज है वो ये है 10.25 इंच की स्क्रीन, ये कम्प्लीटली नई आपको मिल गई है, जो कि हमने नेक्सॉन में देखी है, सेम आपको मिल गई है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है ये। ऑल्सो जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो आपको नेक्सॉन वाली ही मिल गई है। ये जो पैनल है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, स्क्रीन गार्ड लगा लेना इसके अंदर, अदरवाइज वो स्क्रैचेस जो है वो आपको नजर आएंगे इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको नया वाला मिल गया है, जो कि हम इनकी नई गाड़ियों में देख रहे हैं। इट्स ऑल डिजिटल और अच्छी खासी साइज का भी है ये। यहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो स्टैंडर्ड आपको दिखाई देगा। रेंज जो है वो आपको दिखा रहा है, जैसे कि 335 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक्चुअली आपको रेंज दिखाता है, बट ये ट्रिप यहाँ पर ये MID वाली चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप ए, ट्रिप बी आपको रीसेट करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और आप कौन से मोड में हो वो भी आपको दिखा देता है, जैसे कि अभी ये सिटी मोड में है, ये आपको दिखा रहा है। फिर ऑडो की रीडिंग है वो आपको दिखा देता है। यहाँ पे स्पीड जो है डिजिटल स्पीडोमीटर भी आपको मिल जाता है, सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग गिवन। इनफैक्ट जो बैटरी की परसेंटेज है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, विच इज 88% यहाँ पर अभी दिखा रहा है। और कौन से रीजन लेवल पे हो वो भी आपको दिखाता है। रीजन लेवल आपको चेंज करने हो तो आप इसको दबाओगे, ये जो पेडल शिफ्टर जो आपको जनरली गाड़ियों में मिलते हैं वो वाले हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसको रीजन की जैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखना कि ये बढ़ रहा है, मैं इधर से कम कर सकता हूँ, रीजन लेवल 2, रीजन लेवल 1, कम्प्लीटली ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। और क्योंकि रीजन लेवल 3 आ गया है, दैट मीन्स सिंगल पेडल अगर आपको ड्राइविंग करनी हो, मतलब आप एक्सेलेरेटर पे जैसे ही पांव हटाओगे तो आपकी गाड़ी ब्रेक लेना शुरू कर देती है, तो वो इंजन ब्रेकिंग को इन्होंने मिमिक करने की कोशिश की है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर एक चीज़ जो अगेन इन्होंने थोड़ी नई गाड़ियों से ली है वो है इनका ये पूरा टच पैनल। इसमें सिर्फ 2 बटन है बाय द वे, सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और ब्लोअर स्पीड को ऊपर नीचे करने के लिए वो आपको दिए गए हैं, बट उसके अलावा हर एक चीज़, इवन द हैजार्ड लैम्प इज अ टच बटन। I don't know if it works for everybody or not. Fog lamp को भी आपको ऑन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे टैप करोगे तो fog lamp इसकी ऑन होगी और ऑफ होगी। तो हर एक चीज़ के लिए टच पैनल आपके लिए लगाया गया है। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। फिर आपका ये जो नॉब है वो आपको दिया है, इसको रोटेट करके आप गियर जो हैं उसको, मतलब जो डिफरेंट गियर हैं उनमें जा सकते हो, कि आपको रिवर्स में जाना हो तो आप रिवर्स करोगे, उसके लिए आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा। ऐसे आप रिवर्स कर सकते हो, ऐसे आप न्यूट्रल में आ सकते हो, ऐसे आप ड्राइव मोड में आ सकते हो, बट ये कभी कभी अटक भी जाता है। लेट मी शो यू अ क्लिप। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभी देख रहे हो आप न्यूट्रल में है और ये डायल सेलेक्टर है, जैसे कि आप गियर सेलेक्ट करते हो। मैं इसको डी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, डी में हो नहीं रहा है, न्यूट्रल कर रहा हूँ हो नहीं रहा है। मैंने अपने पाँव पूरे दबा रखे हैं, मतलब जो यूजली आपको करना है आपको ये दबाना है, ठीक है, मैंने दबा दिया है, उसके बाद Nothing happens. It gets stuck. इसको सॉर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका ट्रबल शूट। आप गाड़ी को वापस से बंद कीजिए। Take out the key fob. All right. Park brake applied है। फिर अपना चला रहा है। गाड़ी खोलूंगा। Lights on. Please check. मैं गाड़ी को लॉक करूंगा एक बार को। मैं गाड़ी को वापस से अनलॉक करूंगा। मैं गाड़ी को वापस से स्टार्ट करूंगा। And now, let's do it. Parking में already आ गया. Now it works. फिर आप ये देखोगे तो electronic parking brake भी आपको मिल गया है, auto hold मिल गया है, electronic parking brake मिल गया है, क्योंकि EV है. So, काफ़ी कुछ नयापन देने की यहाँ पर definitely इन्होंने कोशिश की है. और मेरा favorite feature, auto dimming IRVM आपको दे दिया गया है. और आपका favorite feature, sunroof दे दिया गया है. Of course, panoramic इतनी छोटी गाड़ी में आप उम्मीद नहीं करते हो, but
इतना ओपन हो जाता है और विद दिस कलर और ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है ये पूरे कैबिन को। एक और चीज़ जो चेंज की गई है वो है अपॉल्स्ट्री। अपॉल्स्ट्री इसकी कम्प्लीटली चेंज की है, मतलब सीट जो है उसको लेदरेड बना दिया है। जो रेगुलर पंच आती है आपकी उसके अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेदरेड प्लस फैब्रिक। जैसे कि बॉलस्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया गया है, बीच में लेदरेड दिया गया है। ऑफकोर्स ये जो छिद्र आपको नज़र आ रहे हैं वो इसलिए दिए गए हैं जिससे कि वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो आपकी काम कर जाए। वेंटिलेटेड सीट्स कैसे ऑन होगी? टिपिकल हर गाड़ी में जो टाटा की होती है वहीं पर ही होगी। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप ऑन करोगे तो आपकी वेंटिलेटेड सीट्स ऑन या ऑफ हो जाएगी। भी गाड़ी मैंने बंद कर रखी क्योंकि मेरे को रेंज टेस्ट भी करना है, बट यहाँ से ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार को। बाय द वे, हाइट और ये सब एडजस्ट करने के लिए आपके पास में लीवर्स ही दिए गए हैं और ये मेरे हिसाब से आई थिंक एडजस्टेड हो गई है। एंड आई एम अबाउट 5'6". अब मैं पीछे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पीछे मेरे जितना बंदा अगर बैठ रहा है तो क्या एक लंबा आदमी बैठ सकता है, मेरे जितना ही बैठ सकता है। आप वो देख लीजिएगा, आप और खुद गेज कर लीजिएगा। क्या लंबा आदमी अगर 6 फुट का होगा तो मेरे जैसा बैठ पाएगा? नाउ यू कैन गेज। सो यार, दैट्स दैट। हेडरूम देख लो आप, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा चौड़े होके बैठोगे तो फिर नी रूम में थोड़ी कटौती हो जाएगी। हेडरूम मेरे हिसाब से इतना बचता है। पीछे की साइड एक और चीज़ है जो आपको दिखाने वाली है और वो चीज़ है कि रेयर इसी वैंस आपको नहीं दिए गए हैं। हाँ, आपको कुछ रखना हो, फ़ोन तो आप रख सकते हो, बट करोगे क्या? यहाँ पे चार्ज करने के लिए कुछ है नहीं। ये मेरे को लगा था यहाँ पे कुछ है, ऐसे बाहर आ जा रहा है। इसका क्या लॉजिक है, क्यों है? ऑलराइट, तो फाइनल बात, प्राइसिंग, कीमत, रोकड़ा कितना देना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। 11 लाख से ये शुरू होती है, 10.99 लाख टू बी प्रिसाइज, और 14.5 लाख तक जाती है। फिर अगर आपको एडिशनल 7.2 किलोवाट एसी चार्जर वाजर चाहिए तो वो एक अलग हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड के साथ भी वो ले पाओ। और किस चार्जर के साथ में क्या प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। पर डिलीवरीज कब से हैं? डिलीवरीज के लिए एक शुभ दिन इन्होंने चुना है। रामलला की स्थापना हो रही है अयोध्या में, उस दिन के लिए इन्होंने चुना है। 22 जनवरी इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप बुक कर चुके हैं तो आपको मिल जाएगा। बाकी पोजीशनिंग जो है इस प्राइस के हिसाब से आप देखोगे टियागो ईवी और नेक्सॉन ईवी की जस्ट बीच में पोजीशन किया गया है। और अच्छी बात यह है कि जहां टियागो ईवी और जो नेक्सॉन ईवी है वो अभी भी जो इनके पेट्रोल डीजल हैं उन्हीं को यू नो बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक बना दिया गया है। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। सो वुड यू पिक दिस ओवर द नेक्सॉन और द टियागो ईवी? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। ये एरोप्लेन चला जाए, अकाशा का एरोप्लेन जा रहा है, अकाशा जा रही है नहीं जा रही ये मुझे नहीं पता है, पर बात यह है कि इस गाड़ी के जो बिग पॉजिटिव्स हैं और बिग नेगेटिव्स हैं उस पर मेरा डिटेल्ड रोड टेस्ट रिव्यू जल्द ही आने वाला है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर फिर उसके बाद में आप गाड़ी खरीद सकते हो।